हाँ बोलिए जी। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। नमस्ते नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी, 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा हो चुकी है। आपका नाम क्या? मुन्ना खान अब्बासी, धौलपुर विधानसभा क्षेत्र। हाँ बताइए मुन्ना जी। प्रधानमंत्री जी, 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा हो चुकी है। मीडिया द्वारा इसे सत्ता का सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, लिहाजा हमें इसे किस रूप में और कैसे लेना चाहिए? देखिए मुन्ना खान, आपके यहाँ चुनाव का बिगल बज चुका है। अब मैं समझता हूँ कि ये शायद एक रूटीन, एक आदत हो गई है। न ज़्यादा कोई सोचते हैं। मैं आज से 1 साल पहले भी कहीं गया हूँ तो उन्होंने लिख दिया है कि मोदी ने आज 2019 के चुनाव को लॉन्च किया। मैं अभी परसों हरियाणा में गया था, वो सर छोटू राम जी की हरियाणा की सबसे ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण था। उन्होंने कह दिया कि ये चुनाव के साथ जुड़ गया है। अब मैं समझता हूँ ये कल्पना दारिद्र है जिसके कारण ये किया जाता है। दूसरा, हर चीज को चुनाव से जोड़ करके उस अवसर की जो गरिमा होती है, उस गरिमा को जाने अनजाने में लोग नीचा कर देते हैं। कोई कारण नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान तो बोले चुनाव है, अगर हम आयुष्मान भारत योजना तो कहे चुनाव है। अब मैं समझता हूं ये कल्पना दारिद्र का परिणाम है और इसलिए हम लोगों ने कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है इसमें अपना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर समाज सेवा के लिए निकले हैं। भारतीय जनसंघ का इतिहास देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखिए, हमें तो उम्मीदवार भी कहां मिलते थे, लेकिन देश हित के लिए संघर्ष करना, देश के लिए एक राजनीतिक दल खड़ा करने के लिए संगठन करना, चरैवेती चरैवेती के मंत्र को लेकर के गांव 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 जाकर लोगों से मिलते रहना, ये हम लोगों का निरंतर काम रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आने के बाद शस्त्र सजने वाली पार्टी नहीं है, वो पार्टी है जनता से जुड़ी हुई है, जनता के लिए जूझती रहती है। जनता का कल्याण यही जिसका जीवन है और इसलिए चुनाव हो या न हो हमारा काम निरंतर यही है कि हम लगातार कोशिश करते रहें जन सामान्य से हम जुड़े, जन सामान्य को हमारे साथ जोड़े। और इसलिए मैं कहता हूं हर बूथ सबसे मजबूत, ये मंत्र हमें क्यों सिद्ध करना है? क्योंकि सरकार भी तब अच्छी चलती है जब नीचे तक उसकी योजनाएं पहुंचाने में हमारी कार्यकर्ताओं की फौज लगी रहती है, लोगों की भलाई के लिए जागरूक प्रयास करती है। तो हमारा बूथ सबसे मजबूत, ये कोई चुनावी यंत्रणा थोड़ी है, चुनावी मशीन थोड़ा है, ये जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं से जुड़ने का हमारा प्रयास है। बूथ लेवल पर सामान्य मानवीय की आवाज ऊपर तक पहुंचे इसके लिए है। और इसलिए आप इसकी चिंता छोड़िए कौन क्या कह रहा है। हाँ, चुनाव जीतना भी जरूरी होता है, क्योंकि चुनाव जीतना ये हमारे लिए किसी को परास्त करने का अहंकार नहीं है, हमारे लिए ये सेवा करने का एक अवसर है। और देश में पिछले 50-60 साल तक जिनको शासन में बैठ करके लोगों ने आशा अपेक्षाएं की थी, उसका हाल क्या हुआ? अगर पहले सरकारें अच्छी चली होती, आज जो बड़े बड़े भाषण झाड़ रहे हैं वही लोग तो सरकार चलाते थे, तो सारी बुराइयों का कारण तो वही है। और इसलिए ये बात जनता को बताना हमारी जिम्मेवारी है। मुझे विश्वास है कि आप सब कार्यकर्ता इस काम में लगेंगे। मुन्ना खान, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, पूरी लगन के साथ आप लोग आगे बढ़िए।